हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। राइट नाउ इट्स 10:14। चलिए देखते हैं मैक्स ने जो पूजा का स्थान है वहाँ पर कुछ खराब तो नहीं किया, या तो कुछ खाया तो नहीं। ये भी सही है, बताशा और सुपारी भी सही है, इधर भी सही है। सिर्फ यहाँ के दो चीज हम लोग ने निकाल के रखे थे जो कि गुलाब जामुन और पेड़े थे। उसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा था हमें, क्योंकि पूजा होने के बाद मैक्स ना यहाँ पर नजदीक आकर बहुत ऐसा सूंघ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कहीं वो रात को यहाँ पर आके कुछ खाना दे। वैसे रात को ये साइड को आता नहीं है, मस्त बाहर हॉल में सोता है, बट फिर भी डाउट आ रहा था, इसलिए हमने ना गुलाब जामुन और पेड़ा दोनों फ्रिज में रख दिया था। गुड मैक्स, गुड, अच्छा किया। भगवान का है ना वो, उधर नहीं डालने का मूड, ठीक है। यहाँ पर एक भी चीज खराब नहीं हुआ है, मैक्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया था। ओए चलो पीछे, अभी भी वो ऐसे कर रहा था, मैं बोले सुनने गया था सुबह भी। सेम ऐसे ही कल रात को भी सूंघ रहा था, जैसे मम्मी एक्शन करके बता रही थी ना, सेम वैसे ही। बट फिर सुबह भी जैसे वो गया था तो सुबह भी उसने कुछ किया नहीं, और अभी भी ऐसा कुछ कर रहा नहीं है। मतलब उसको भी पता है, उसे भी सब मालूम है क्या है क्या नहीं, तो इसलिए वहाँ पर वो साइड को गया ही नहीं। वो मम्मी मैक्स ने रोटी खाया क्या? नहीं खाया। क्यों, क्या हो गया उसको? कल ज्यादा दे दिया था क्या खाना? कल कुछ आलतू फालतू चीज तो नहीं दिया ना? कचर बचर कितनी दिया क्या? चीज़ मैंने नहीं बनाया, हम लोगों ने उसको क्या दे दिया। तो फिर क्यों नहीं खा रहा आज? क्या हो गया मैक्स तुझे, क्यों नहीं खा रहा तू आज रोटी? क्या हो गया? हाँ खाएगा रोटी, खाएगा दू तेरे को? लो लो लो, खाओ खाओ खाओ, रोटी खाओ। क्या हो गया तेरे को, क्यों नहीं खा रहा? खाओ खाओ खाओ। पता नहीं मैक्स को क्या हो गया, खा ही नहीं रहा। मैंने भी देने का ट्राई किया बट बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। अब दोपहर को जब खाना खाएंगे तभी देंगे इसे। अभी एक सीन हो गया मेरे साथ, पता नहीं ये चीज किसने रखा यहाँ पर, मुझे लगा कचरा है, तो कचरे वाले अभी आए थे, मैं यही देने वाला था बाहर, और ये सारा सामान हमारा वेस्ट पे जाता था। एक्चुअली ये सारा चीज ना रंगोली का चीज है, और लगता है कल जब दिव्या ने रंगोली बाहर बनाई थी और यहीं पे छोड़ दिया था, तो मुझे लगा ये कचरा है तो मैं बाहर दे रहा था। अच्छा मैंने देने से पहले मम्मी को पूछ लिया, तो मम्मी को पूछने के बाद पता चल रहा है कि वो सारा चीज रंगोली का है, कहीं पे भी कुछ भी चीज रख देते। आजकल चाहिए ना वो, इसलिए उधर ही रखा, बार बार कौन निकाले। अरे तो बताने का तो सही सबको। अच्छा मैंने पूछा, अगर मैं पूछता तो बाहर चले गया होता। वो अंकल भी नहीं देखते थे, अंकल फेंक देते थे कचरे में। मैं तो यूजुअली दोपहर के टाइम सोता ही नहीं हूँ, बट आज सोना पड़ा बिकॉज ऑफ भयंकर सर्दी। लेट मॉर्निंग के बाद इतनी खतरनाक सर्दी स्टार्ट हो गई कि मुझे सोना ही पड़ा। सिर्फ 2 घंटे का नींद लिया, 2 घंटे के नींद में जब तक सोया था तब तक ठीक था, अभी उठते ही अगेन फिर से सर्दी स्टार्ट हो गई है। तो मेरी और मैक्स की तबीयत थोड़ी बहुत खराब है। मैक्स ने भी थोड़ी देर पहले उल्टी की थी, पहले के जैसे इतनी सारी नहीं की थी, थोड़ी सी की थी, और मुझे भी सर्दी हो चुकी है। सर्दी भी ऐसी हो गई है, देखिए पूरा नाक तो लाल टमाटर जैसे बन गया होगा, मुझे तो नहीं पता बट शायद से, क्योंकि उठते ही मैंने कम से कम 15-20 बार छींका है। तो अभी फटाफट चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद मैक्स से भी मिल लेंगे। मैक्स भी बेचारा थोड़ा सा शांत था सुबह से, लगता है आज तो सोनाली की लॉटरी लगी थी। ऑलरेडी 2 मंगाया था और 4 मंगा दिया। आज क्या स्पेशल है सोनाली? कुछ नहीं, और 2 सैंडविच भी आना बाकी है ना। सैंडविच स्पेशल है क्योंकि पापा ने बोला मंगाने। अच्छा तो सैंडविच मतलब पापा ने बोला इसलिए, तो हाँ। एक सैंडविच पापा के लिए। पर पापा तो पूरा सैंडविच खाएंगे ही नहीं, हम लोग खाएंगे। शाणी है इसलिए खुद के लिए। पापा ने बोला सैंडविच मंगा, ये सब क्या खा रही है, पिज्जा वीजा तो मैंने ठीक है। अरे हाँ आज तो तू पिज्जा मंगाने वाली थी ना? ऐसे तो सोनाली आज पिज्जा मंगाने वाली थी, वो भी ऑफर वाले 4-4 आने वाले थे, बट वो नॉर्मल पिज्जा थे, तो मैंने कहा कि ये इतना वेस्ट करके इतना फालतू पिज्जा लाने से अच्छा कुछ नॉर्मल सा मंगाते, तो इसलिए ये एक पैटिस मंगाया और एक सैंडविच बोला था। सैंडविच तो 2-2 ला लिया। अरे यार बाल आ रहे बीच में, तो 1-2 इसने तो खत्म भी कर दिया। दिव्या का 3 और मेरा 4। अब पूजा के लिए दीदी ने खाती है, तो पूजा के लिए सैंडविच, वो भी कब एक ही खाएगी, एक ही खाती नहीं खाती ज्यादा। पूजा वैसे अभी तक आई नहीं है, तो पूजा आने से पहले हम लोग ये खा लेते और फिर सैंडविच आएगा तो वो पूजा को देंगे, क्योंकि ये पूजा तो खाती ही नहीं है। आई दिवस सुबह से अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, सर्दी कम है बट गई नहीं है, तो थोड़ा बहुत परेशानी भी हो रहा है, सर्दी आती रह रही है। फाइनली आधे घंटे के बाद सैंडविच आ चुका है, जरा देखते है कैसा है जम्बो सैंडविच। ये जम्बो है, ट्रायंगल है? अरे वो तो ऐसा लंबा ट्रायंगल होता है, ये तो स्क्वायर है। स्क्वायर है कि ट्रायंगल यार?
स्क्वायर दिख रहा नहीं है ये देख स्क्वायर सैंडविच तो आ गया बट अभी तक पूजा नहीं आई है तो पूजा का वेट कर रहे हैं। पूजा आएगी तो फटाफट फिर इसे खोलकर खाएंगे। क्या पता कब आएगी। कॉल कर दिव्या। कॉल कर। मैंने रख दिया फोन। दीदी लेट आएगी। ओह माय गॉड चीज नहीं है कि इसमें जला दिया लग रहा है ज्यादा। अरे हाँ तूने चीज सैंडविच मंगाया था ना। चीज कहाँ पर है। पूछ दिव्या को। दिव्या उस दिन था ना इधर। बना येड़ा बना सोनाली को। येड़ा बना येड़ा नहीं बना जला दिया ए जंबो ही है वैसे ही है। कर रही दीदी पे फोन जल्दी। स्मेल तो आ रही मुझे। हाँ यार जंबो है तीन तीन है बट ये बड़ा ट्रायंगल नहीं है छोटा सा है ना सैंडविच ही अलग है। ये सैंडविच में अंदर कुछ डाला भी है कि नहीं। ये पूरा ब्रेड तीनों तो चिपका हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ है। ओहो डाला डाला अभी देख के साथ बहुत मस्त है। कहीं ऑफिस वालों ने तेरा वीडियो तो नहीं देखा इसलिए फटक से आज दे दिया। वो लोग नहीं देखते। पता नहीं पूजा के ऑफिस वालों ने देखा कि नहीं बट पूजा को आज ऑफिस से मिला है गिफ्ट। दिवाली गिफ्ट है ना। दिवाली के बाद अभी भी दिवाली चालू है। दिवाली गई ना एक्चुअल। भाव बीज का है जल्दी। क्या है क्या है जल्दी खोल। आज तो हमारा फुल पेट भरा हुआ है। मम्मी भी फुल एक्साइटेड है। मम्मी भी मस्त पैटी सैंडविच सब खाया। ओ भाई साहब खतरनाक। मेरे को एक ऑरेंज वाला। ओ शिट ए मंदिर में रखो पहले। दिव्या ने झूठा कर दिया खा लिया। क्या अभी मुंह में डाल दिया। अभी कुछ नहीं हो सकता है। इतना भी ये नहीं करने का समझी ना। अभी खा रही है मम्मी। खा रही नहीं मम्मी लेकर जा रही है। मंदिर में रख दे आप फटाफट मैं भी खाता हूँ। ओए किधर है। मैंने तो मस्त दो अलग अलग फ्लेवर ले लिए। एक ये हल्दी वाला है। कौन सा ये मुझे ये येलो वाला कौन सा है। हाँ पापा ये येलो वाला कौन सा है। येलो का ये मेरे को लगता है ये पाइनएप्पल रहेगा। पापा पाइनएप्पल बोल रहे पता नहीं कौन सा। और एक जो नॉर्मल होता है वो वाला है। तो अभी जस्ट मैंने कम से कम 10 से 12 बार छींक मारा तो पापा बोलते बाहर जा। मतलब गढ़वाली में बोले बाहर जा। बहुत खतरनाक छींक चालू है। बाय द वे नाउ इट्स टाइम फॉर अ डिनर। आज डिनर में वैसे बिरयानी बनाई है। बिरयानी तो ज्यादा नहीं खाऊंगा सिर्फ नाम के लिए थोड़ा चखने के लिए। बाकी बिरयानी तो इन लोग के लिए तो वेज बिरयानी बनाई है। हाँ हमारे लिए भाजी रोटी। हमारे लिए सब्जी रोटी। तो पत्ते गोभी की सब्जी है और रोटी। दही मत खा अभी। अरे मेरे बाजू में मत कल खा डायरेक्ट। मुझे सर्दी हो गई है तो सोनाली फुल खुश हो गई। सोनाली बोले दही मत खा तो फिर उसको एक्स्ट्रा दही मिलेगा। नहीं। और पूजा को देखिए मेरे को बैठने भी नहीं दे रही। रुमाल लेके बैठा हो खाना खाने के लिए। इतना बेकार सर्दी हो गया। उधर बैठ जाओ। अरे तुम लोग की थाली में थोड़ा ना छींकूंगा मैं। रुमाल है ना उधर से तो इधर ही छींकेगा ना। इस साल हमारी दिवाली होकर भी हम लोग ने घर पर कुछ भी नहीं बनाया जैसे कि करंजी शंकरपाड़ा चकली चिवड़ा और भी बहुत सारे चीज है। हम लोग ये चार चीज तो मोस्टली बनाते हैं बट इस टाइम हम लोग ने एक भी चीज नहीं बनाया। अब वो क्यों नहीं बनाया क्या पता क्यों नहीं बनाया। ये हालत खराब थी ना इतने दिन से तो मम्मी और मैं मिलके बना लेते थे। कोई नहीं बनाता है साथ में। तू बोलती तो सही। बिजी थे सब अपने काम पे। मुझे भी नहीं पता था और हम लोग भी केदारनाथ गए थे ना तो इसलिए तो वही ना उधर से फिर बीमार हो गई फिर कुछ किया ही नहीं। तो हम लोग ने तो नहीं बनाया बट हमें बाजू से हमारे पड़ोसन से आंटी ने दिया है। तो आंटी ने हमें बहुत सारे चीज दी है जिसमें करंजी है बेसन के लड्डू है नहीं सॉरी रवा के लड्डू है। ये क्या है चिरोटा। अच्छा ये चिरोटा है। ये शंकर पाड़ा है। चकली और चकली किधर है। चकली नीचे। हाँ चकली भी है तो ये जो नीचे है ये चकली है। हर साल देती है मिलवा आंटी। हर साल खाते हैं हम लोग तो यही सारा चीज हम लोग बैठ के खा रहे हैं। टेस्टी तो बहुत मस्त है। मम्मी को तो सब अच्छा लगता है। मम्मी तू शंकर पाड़ा ज्यादा मत खा। मीठा है। हाँ ज्यादा मीठा है तो फिर कैसे सब कुछ खा रही है। हाँ शुगर हाई हो जाएगा फिर वाट लगेगी। सब कुछ खा लिया उसने। सब कुछ खा लिया मम्मी ने सब कुछ।
अब तो YouTube ऑडियंस को भी पता चल गया, बहुत खतरनाक। अभी तो फिलहाल तीन ही मैंने छींक मारे, नहीं तो ऐसा 15-20 तो मार ही देता। तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं, आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।